हेलो, कंटिन्यू करते हैं हम, है ना। कृतिका से कंटिन्यू करते हैं। अंग हमने पढ़ लिए थे, अंग 12 जो होते थे। कृतिका क्या लिखा हुआ है? कृतिकास आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क। तो कृतिकास हैं वो भी क्या हैं? जो तृप्ति का वो भी क्या है? काफी इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क है। वो भी काफी क्या है? लिटरेरी वर्क है, इंपॉर्टेंट है, यानी कि सबसे ज्यादा, आर दी मोस्ट लिखा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है किनका? बुद्धिस्ट का, यानी बुद्धिस्ट लोगों का। अभी आपको ये नहीं बताया गया कि बुद्धिस्ट या और जैनिज्म में क्या डिफरेंस है, अभी ये नहीं बताया गया। बस अभी आपको जिक्र किया गया कि बुद्धिस्ट लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है लिटरेरी वर्क है। वर्ड तृप्तिकास मीन्स थ्री बास्केट्स ऑफ बुद्धिस्ट कैनन। एज नेम सजेस्ट तृप्तिका, तृप्तिका में तृप्ति आ रहा है, तो तृप्ति मतलब तृतीय। संस्कृत के वर्ड्स हैं बेसिकली सारे, तो उसका मतलब क्या होता है? तीन होता है। तो उन्होंने कैसे ड्राइव किया है? थ्री बास्केट्स ऑफ बुद्धिस्ट कैनन। बास्केट्स वगैरह तो आपको पता है, कैनन वर्ड एक लिख लो आप। लिख लिया आप, नोट कर लिया। कैन का मीनिंग आप लिखिए टी टेस्ट, लिख लीजिए TEST, ना टेस्ट। वो कहते हैं तृप्ति का मीन्स तीन बास्केट होता है। तीन बास्केट होता है, किस चीज़ का बास्केट? बुद्धिस्ट लोगों के टेस्ट का बास्केट, यानी कि तृप्ति का मतलब क्या? तीन तरह के टेस्ट होते हैं। तीन तरह के क्या होते हैं? बेसिकली टेस्ट होते हैं, बास्केट में कुछ नहीं है। तीन तरह के तीन लेवल होते हैं। अब वो तीनों लेवल क्या होते हैं? किस चीज़ के लेवल होते हैं? टेस्ट के लेवल होते हैं, ठीक है। द अर्लीस्ट राइटिंग्स ऑफ दीज टेक्स्ट वर टेकन ऑन लॉन्ग नैरो लीफ्स सीन टुगेदर इन वन साइड एंड बाउंड इन बंचेस देन स्टोर्ड इन बास्केट, ठीक है। अब ये बताने के बास्केट क्यों बोला जाता है? अभी बता दें कि हमने बास्केट ही क्यों यूज किया, जब वो चैलेंजेस थे तो वो बास्केट ही क्यों हमने बड़े यूज किया था। तो बेसिकली कह रहा है कि जो राइटिंग्स है ना, बहुत पुराने टाइम की राइटिंग्स है, बहुत पुराने टाइम पर लिखी हुई थी, ठीक है। किस पर लिखी गई थी ये? किस पर लिखी गई थी ये? लॉन्ग नैरो लीफ पर, यानी पत्तों पर लिखी गई थी। किस पर लिखी गई थी ये? पत्तों पर। किस पर? पत्तों पर। 2 सेकंड रुकना जरा। दो सेकंड रुकना जरा। तो बेसिकली जो लिखा गया था, मतलब एक चीज लिखी गई थी, टेस्ट लेते थे, टेस्ट पेपर समझ लो बेसिक। तो ये किस पर लिखे गए थे? लॉन्ग नैरो लीव्स वाले पत्तों पर लिखे गए थे, पतले पतले लंबे लंबे पत्तों पर लिखे गए थे। फिर पत्तों को स्यू किया गया, उन पत्तों को क्या गया? सीला गया। सिलाई पता है क्या होता है? किया गया टुगेदर ऑन वन साइड, उनके एक एक साइड में बांध दिया गया सबों को, यानी उन पत्तों से क्या बनाया उन्होंने? एक तरह से पेपर बनाया, एंड बाउंडेड बंचेस, उनको बंचेस में बांध कर, बंचेस बना बना कर उनको क्या कर दे? एक बास्केट में स्टोर कर दे, एक बास्केट में स्टोर कर दे। इसलिए इनको थ्री बास्केट्स कहा जाता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? द थ्री बास्केट्स कहा जाता है, ठीक है।
दीज वर्क्स रिटन इन पाली लैंग्वेज, ये ना तो संस्कृत में लिखी, ये पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। किस में लिखी गई थी? पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। एंड दे इंक्लूड द फॉलोइंग, रिपो कृतिका क्या है? थ्री बास्ट कैनन, बास्ट कैनन, ठीक है। ये तो बास्केट स्टोर किया जाता था, इसलिए तो उधर की बास्केट खा जाता था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट तो लिटरेरी वर्क है इनका, बुद्धिस्ट लोगों का, रिटन इन पाली लैंग्वेज। एक दो और ये तीन, तीनों लिखते हैं यहाँ पे। पहला पिटा, बिना पिटाका, बिना पिटाका, पिटाका नहीं पिटाका, कहना हिंदी वर्ड, हिंदी में बोला बिना पिटाका, ठीक है। डील्स विद द रूल्स एंड रेगुलेशन विच बुद्ध प्रमुगेटेड फॉर द मंक्स एंड द नंस। इट ऑल्सो गिव्स एन अकाउंट ऑफ द लाइफ, इट ऑल्सो गिव्स एन अकाउंट ऑफ द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ बुद्ध एज वेल एस्पेक्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो बता रहा है, तो बता रहा है कि इसके अंदर तीन पार्ट है, बोलते तीन चीज़ें हैं इसमें, तीन टेस्टमेंट बोलते, ब्रिज कैन, तीन तरह के टेस्ट हैं, तीन तरह के हैं ना। तो पहला टेस्ट लिखा हुआ है बिना पता का, पहला टेस्ट का नाम क्या है? बिना पता का। ये बेसिकली आपको कुछ चीज़ बताते हैं और आप उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, तो ये टेस्ट ऐसे नहीं आपके क्वेश्चन से पूछे, नहीं, लाइफ लर्निंग्स होती हैं, लाइफ के लेसन होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है ये क्या है बिना पता का? एक पहला है जो क्या करता है, डील विद रूल्स एंड रेगुलेशन, के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं जो कि उसको क्या करना चाहिए, बुद्ध लोगों को क्या होते हैं प्रमुलगेटेड, एक नया वर्ड फॉलो करने का, जो कि उनको क्या करना होते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ फॉलो नहीं, यहाँ पे बनाने से जो कि बुद्ध लोगों ने बनाया, जो कि बुद्ध लोगों ने बनाया, जो कि किसने बनाया, बुद्ध लोगों ने, बुद्ध लोगों से मतलब बुद्ध पीपल नहीं है, लॉर्ड बुद्धा से, लॉर्ड बुद्धा से, लॉर्ड बुद्धा से है, जो कि लॉर्ड बुद्धा ने बनाया था, जो कि लॉर्ड बुद्धा ने बनाया था। प्रमुलगेटेड मतलब तो फॉर्मुलेट करना, फॉर्मुलेट करना। फिर ये लॉर्ड बुद्धा ने किसके लिए बनाए थे रूल्स एंड रेगुलेशन? सभी के लिए क्या? नहीं, तो सभी बुद्ध लोगों के लिए नहीं, केवल मंक्स एंड नंस के लिए, केवल मंक्स एंड नंस के लिए केवल रूल्स बनाए थे। हाँ केवल मंक्स बनाए थे, ठीक है, बनाए थे, ठीक है। अब आपको ये पता तो मंक्स मेल के लिए यूज किया जाता है, नंस फीमेल के लिए यूज किया जाता है ना। इट ऑल्सो गिव्स एन अकाउंट ऑफ लाइफ, एन अकाउंट ऑफ लाइफ मतलब रीजन ऑफ लाइफ, लाइफ का मतलब बताते हैं, लाइफ का मतलब भी बताते हैं। टीचिंग्स ऑफ बुद्ध एज वेल एज, और इसके अंदर क्या लिखी है, लॉर्ड बुद्ध की टीचिंग्स भी लिखी हुई है, एज वेल एज सम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फ्यूचर इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रह चुके हैं वो भी सारी चीज के अंदर क्या है, थोड़ी सी एक्सप्लेन्ड है। कस्टम्स एंड आर्ट्स ऑफ द पीरियड, पुराने टाइम के कस्टम आर्ट वगैरह सब एक्सप्लेन्ड है। दूसरा आता है दसुत्ता पिटाका, दसुत्ता पिटाका, पिटाका सॉरी, दसुत्ता पिटाका। दिस कंप्राइजेस द डिस्कोर्सेस ऑफ बुद्ध, डिस्कोर्सेस ऑफ बुद्ध ऑन वेरियस ओकेजंस। इट आल्सो हैज डिस्कोर्सेस ऑफ सम ऑफ द डिसिपल्स ऑफ बुद्ध सच एज सारिपुत्त, आनंद, आनंदा एंड अदर्स। एक वर्ड यहाँ पे आरस नोट करो, समझ गए हो गया आप आई थिंक। डिस्कोर्सेस, लिख लिया। अब डिस्कोर्स मतलब क्या होता है आपको हिंदी में इसका मीनिंग बताओ? प्रवचन। आपके घर में भी सत्संग होता है, कोई ना कोई एक हेड बनता है, आपकी दादी बने या कोई और भी बने, तो एक जो हेड बनते हैं वो कुछ ना कुछ ज्ञान देते हैं, बोलते हैं, कुछ लर्निंग्स देते हैं, जिसको प्रवचन बोलते हैं। उसी प्रवचन कोर्स उसे बोलते हैं डिस्कोर्स, उसी को क्या बोलते हैं प्रवचन को, इंग्लिश में डिस्कोर्सेस। और आपको अगर डिस्कोर्सेस का भी समझ में नहीं आया है, प्रवचन नहीं लिख पा रहे इंग्लिश में, तो इसका सिंपल सा मीनिंग आप लिख लो प्रीचिंग। क्या लिख लो? प्रीचिंग है ना। तो लिखा हुआ है जो सुट्टा पिटाका है इसके अंदर क्या लिखी हुई है, लॉर्ड बुद्धा के काफी सारे प्रवचन लिखे हैं जो भी उन्होंने वेरियस ओकेजंस पर दिए हुए थे। इट ऑल्सो है डिस्कोर्सेस बाय सम ऑफ द डिसिपल्स ऑफ बुद्धा सच एज सारिपुत्त, आनंदा एंड अदर्स। और इसके अंदर पता है कि लॉर्ड बुद्धा के प्रवचन ही लिखे हुए, लॉर्ड बुद्धा के जो शिष्य रह चुके हैं, जो डिसिपल्स रह चुके हैं, जैसे सारिपुत्त हुए, आनंद हुए, आनंदा हुए,
और भी काफी इन लोगों ने भी जब अपने टाइम पर लोगों को प्रवचन देते थे, ये वो भी इसके अंदर लिखे हुए हैं। तो धर्म पा अच्छा धम्म पद लिखा, सॉरी धम्म पद मतलब क्या, धर्म का रास्ता, द वे ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का रास्ता, सच्चाई का ट्रूथ। धम्म पद इज एन इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ दिस डाटा विद दस टीचर को, विद दस टीचर को कह रहा है पिता का, क्या अगर इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट देखा है तो ऐसा सा कहता वो है सच, कि आप जो भी काम करो सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए करो, सच बोलते हुए करो। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं ये क्या है, ये केवल क्या है, प्रवचन है ना, इंक्लूडिंग इन लोगों की, है ना। तीसरा अभिधम, अभिधम पिता का, अभिधम पिता का डील्स विद बुद्धिस्ट फिलोसफी, ये बुद्धिस्ट लोगों की फिलोसफी के बारे में बताता है बेसिकली, इसके अंदर लिखा हुआ है एंड डिस्कस थिंग्स लाइक द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड द स्टेट ऑफ मैटर। ये बता रहा है इसके अंदर, वैसे बता रहा है नहीं, ये बताता है बेसिकली, क्या बताता है कि उस टाइम के लोगों की वर्किंग कैसे होती थी, उस टाइम के लोगों मतलब क्या, बुद्धिस्ट टाइम के लोगों की, जिस टाइम के लोगों की बात कर रहा है उस टाइम के लोगों की, है ना, लोगों की वर्किंग कैसे होती थी, या फिर स्टेट ऑफ मैटर किसी भी चीज़ की स्टेट कैसे होती थी, ह्यूमन्स की तो बात करिए जिसमें ह्यूमन माइंड की, किसी और चीज़ की भी बात की है तो कैसे होती थी, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। क्या सर ये है ना, पूरा डिटेल में पढ़ना है ना, छोटा सा ही पढ़ना है केवल आपको। Besides being the most reliable source of information about Buddhist religion and philosophy, the Triptikas provide a glimpse of the social, economic and political life in the age of Buddha. वो बता रहा है बुद्धा कि बेस, मतलब वो कह रहा है रिलायबल सोर्स होने के साथ साथ बुद्धिस्ट रिलीजन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एक साथ होने के साथ साथ और उनकी फिलोसफी बताने के साथ साथ तृप्तिकाजन एक काम एक काम तृप्तिकाजन एक काम और करता है, क्या काम करता है, ये हमें ग्लिम्स देता है, एक नज़रिया, एक ओवरव्यू देता है किस चीज़ का, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ, उस टाइम पर सोशल लाइफ कैसी थी, उस टाइम की इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी लोगों की, उस टाइम की पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी उस टाइम पे, टाइम पीरियड में, तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत हमें बताता है। सर ये तो लिखा ही नहीं है यहाँ पर लिखा है, जब आप इनको डिटेल में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा ना, ये तो शॉर्ट में बता दिया। यानी कि देखा जाए तो अगर मैं आपको कहूँ तो जो हमने ये पढ़ा था अंगद, ये जैन लोगों के बारे में बताता है अभी तक जो हमने पढ़ा, ठीक है, और जो कृतिका है वो हमें बुद्धिस्ट लोगों के बारे में बताता है, इतना क्लियर है। दोनों का मेन डिफरेंस अगर पूछूँ तो एक जैन लोगों के बारे में बताता हूँ और एक बुद्धिस्ट लोगों के बारे में बताता हूँ। जातक कथाओं पर, सर जातक कथाओं पर आते हैं, जातक जातक आपने भी जान में आपने अगर नोट किया तो जातक कथा बोला था, जातक कथा कथा मतलब स्टोरी ही होता है, और फेमस है जातक कथाओं के नाम से, जातक कथाओं के नाम से बहुत फेमस है, गूगल करो यूट्यूब करो आपको 50 मिल जाएंगे। तो जातक का रेफर किया टेल्स, ये टेल्स मतलब भी कहानियाँ होती हैं, टेल्स मतलब क्या होती हैं, स्टोरीज है, कहानी टेल्स है, विच डिस्क्राइब द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा। जातक कथाओं के बारे में क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर बताया गया प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा, बुद्धा के प्रीवियस पुनर्जन्म, पुराने जन्म के बारे में बताया गया, इसके लिए पुनर्जन्म नहीं पुराने जन्म के बारे में बताया गया, इन बोथ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म, जितने भी उन्होंने ह्यूमन फॉर्म लिया जितने भी उन्होंने एनिमल फॉर्म लिया उन सभी के बारे में इसके अंदर बताया गया है। ईच टेल बिगिंस बाय नोटिंग द ओकेजन दैट प्रॉम्प्टेड इट्स टेलिंग एंड एंड्स विद द बुद्धा आइडेंटिफाइंग द लाइफ ऑफ पीपल इन द इंट्रोडक्टरी स्टोरी विद सच पीपल फ्रॉम द पास्ट। वो हो तथा सेंटेंस मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे एक बार, इतना अच्छा सेंटेंस है, एक बार आप खुद से इसको ट्रांसलेट करके देखो, एक बार खुद से वीडियो को पॉज करो और खुद से इसको ट्रांसलेट करके देखो, मतलब काफी अच्छा सेंटेंस दिया हुआ है उन्होंने, आई थिंक हमें ट्रैक कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ते हैं। ईच डे बिगिंस विद नोटिंग द ओकेजन,
वो कह रहा है हर कहानी स्टार्ट होती है एक ओकेजन के साथ, एक ओकेजन के साथ, बनोटिंग द ओकेजन है ना, एक ओकेजन के साथ दैट प्रॉम्प्टेड इट्स टेलिंग, जिसकी वजह से इसकी शुरुआत होती है, एंड एंड्स इन द बुद्धा एंड एंड विद द बुद्धा आइडेंटिफाइंग द लाइफ ऑफ पीपल। और एंड होती है किसके साथ, एंड होती है सेक्ट के साथ, कि बुद्धा क्या करते हैं, लॉर्ड बुद्धा क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, क्या आइडेंटिफाई करते हैं, द लाइफ ऑफ पीपल इन द इंट्रोडक्टरी स्टोरी है ना। और फिर एंड होती है, एंड होती है चीज के साथ है, जिसमें बुद्धा क्या कर रहे होते हैं अपने टाइम के लोगों की इंट्रोडक्टरी स्टोरी, मतलब जिस टाइम की स्टोरी है उस टाइम के लोगों की, उस टाइम के लोगों की लाइफ को, उस टाइम के लोगों की लाइफ को पास्ट से, उस टाइम के लोगों की लाइफ को पास्ट से आइडेंटिफाई कर देते, पास्ट से आइडेंटिफाई कर देते, ये पास्ट में कैसे कैसे नहीं थे। द फ्यूचर बुद्धा में अपीयर इन देम एज अ किंग, वो कह रहा था फ्यूचर बुद्धा जो है वो कैसा हो सकता है, वो ऐसा फ्यूचर बुद्धा का सर सकता है कि वो उनके किस टाइम पर किंग थे, एन आउटकास्ट थे, एक गॉड भी हो सकते हैं, एक एलिफेंट भी हो सकते हैं, कुछ भी, बट इन वट एवर फॉर्म ही एग्जिबिट सम वर्च्यू, लेकिन चाहे वो किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, उन्होंने किसी न किसी तरह के वर्च्यूज होते हैं, वर्च्यू मतलब क्वालिटी है ना, देर द टेल देर हाईलाइट, और जो कि सारी की सारी स्टोरी हाईलाइट करती भी हैं, जिसके लिए किस पोएम में आपको बुक किस स्टोरी में क्या लर्निंग आपको मेन मिली। मैन मैनी ज्यादा टेल्स हैं पैरेलल्स इन द महाभारत एंड एल्सवेयर इन नॉन बुद्धिस्ट लिटरेचर। पैरेलल्स, अब यहाँ पैरेलल्स का मतलब है थोड़ा मिलता जुलता, वो कह रहे जाता कथाओं में काफ़ी सारे फैक्ट्स आपको ऐसे मिलेंगे, काफ़ी सारे इंसिडेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कि महाभारत वगैरह या फिर जो और नॉन बुद्धिस्ट लिटरेचर है ना वहाँ पर भी हो चुके हैं ऐसे इंसिडेंट्स, यानी कुछ कॉमन चीज़ आपको मिलेगी उनमें, कॉमन चीज़ आपको मिलेगी जाता कथाओं में, महाभारत में, जितने भी नॉन बुद्धिस्ट लिटरेचर है, यानी बुद्धिस्ट रिलीजन को छोड़कर जितने अदर रिलीजन के लिटरेचर है उनमें जो लिखी गई है उनमें कुछ कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं अब क्या मिलेगी, कॉमन थिंग, कॉमन चीज़ मिलेगी है ना। द जातक स्टोरीज हैव ऑल्सो बीन इलस्ट्रेटेड फ्रीक्वेंटली इन स्कल्पचर एंड पेंटिंग थ्रू आउट द बुद्धिस्ट वर्ल्ड, वो कह रहे हैं जातक स्टोरीज को क्या कर दिया गया आज के टाइम पर, बहुत अच्छे से इलस्ट्रेट किया गया, गया बार बार कर दिया गया स्कल्पचर के फॉर्म में, पेंटिंग्स के फॉर्म में थ्रू आउट द बुद्धिस्ट वर्ल्ड। बुद्धिस्ट वर्ल्ड मतलब क्या, उस जगह पर जहाँ पर सभी लोग बुद्धिस्ट रिलीजन फॉलो करते हैं सिंपल सा। अकॉर्डिंग टू ए के बॉर्डर, अकॉर्डिंग टू ए के बॉर्डर द जातकाज आर दी precursors to the various legendary biographies of the Buddha which were composed at later dates। एक वर्ड आया देख लो precursor, तो कर्सर तो कंप्यूटर में होता है, नहीं ये वो वाले नहीं है, precursor है कंप्यूटर के टाइम से पहले के कर्सर। देखो precursor मतलब क्या होता है, आप उसको दो बार लिख लो, एक फादर लिख लो है ना, फादर लिख लो, ऑथर और एक ऑथर लिख लो, ऑथर मतलब को फादर ही लिखो, फादर मतलब क्या, जो बेटे से पहले हैं, जो बेटे से पहले आए, तो ही कह रहा है। अब बायोग्राफी जो बाद में लिखी गई है, लॉर्ड बुद्धा के ऊपर इतनी बायोग्राफी लिखी गई है, वो पता है किस बेस पर लिखी गई है, वो इन प्रीकर्सर्स के बेस पर लिखी गई है, यानी पहले प्रीकर्सर्स आए है ना, तो जातकज क्या है, जातकज वो प्रीकर्सर्स है, जातकाज वो फादर हैं जिनके बाद बायोग्राफीज आई हैं विश्व कंपोजर लेटर डेट, और जिनको बाद में कंपोज किया गया। ऑल द मेनी जातकाज आर ब्रिटेन रिटेन फ्रॉम एन फ्रॉम एन फ्रॉम एन अर्ली पीरियड, वो बेसब पुराने टाइम से लिखी जा रही हैं, विच डिस्क्राइब प्रीवियस लाइफ, जो कि बेसब पुराने जन्मों के बारे में बात करते थे बुद्धा के। वेरी लिटिल बायोग्राफिकल मटेरियल अबाउट गौतम लाइफ हैज बीन रिकॉर्डेड, और कह रहे हैं गौतम जी के बारे में, गौतम जी मतलब गौतम बुद्ध पुराना नाम उनका यही था, तो गौतम बुद्ध के बारे में बहुत कम लिखा गया, बहुत कम उनके बारे में लिखा गया है, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम लिखा गया। हाउएवर जातकाज थ्रो सिग्निफिकेंट लाइट ऑन द पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस ऑफ द पीपल फ्रॉम द 5th टू 2nd सेंचुरी, हाँ लेकिन अगर पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल कंडीशंस के बारे में बात करें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, 5th से लेकर 2nd सेंचुरी यानी ऑलमोस्ट 3 सेंचुरी तक का डेटा इसके अंदर लिखा हुआ है। दे ऑल्सो रिफ्लेक्ट बुद्धिस्ट मोरल्स एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स, हाँ ये सारी चीज़ें भी वो क्या करते हैं बताते हैं, इसके आगे जरा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।